जिला मंडी में फोर लाइन निर्माण कर रही केएफसी कंपनी द्वारा नागचड़ा पंडो फोर लाइन निर्माण कार्य में कार्यरत 23 मजदूरों को काम से निकाल कर दर्दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया है। मजबूरन अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 10 दिनों से चटनी नहीं किए जाने पर ये मजदूर कंपनी कार्यालय के बाहर कंपनी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। इन मजदूरों का आरोप है कि कंपनी चोर दरवाजे से इनकी जगह पर बाहरी लोगों को अपने चहेतों को रोजगार दे कर रही है। इन मजदूरों में चंद लोगों को छोड़कर सभी हिमाचली हैं और कंपनी के पास पिछले कई माह से कार्यरत हैं। कंपनी ने मजदूरों को ना ही कोई नियुक्ति पत्र जारी किया है और ना ही कोई पहचान पत्र। साथ ही पिछले 2 माह से इन मजदूरों को कंपनी वेतन भी नहीं दे रही है। मजदूरों के मुताबिक इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने कंपनी से नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र व पेंडिंग वेतन के भुगतान की मांग की, जिससे खफा होकर कंपनी ने इन मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हड़ताल पर उतरे इन मजदूरों ने कंपनी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला। संघर्ष पर उतरे इन मजदूरों ने अपने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इनके पेंडिंग वेतन का भुगतान और इनकी मांगों को कंपनी प्रबंधन ने नहीं माना तो इन्हें काम पर नहीं बुलाया जाएगा, तो मजदूरों का संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार को, प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन उनकी नहीं सुनी तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। सड़क एवं निर्माण यूनियन केएमसी यूनिट C2 यूनिट केएमसी के मैं सचिव तिलकराज ये बात रखता हूँ कि कंपनी जो है मनमाने ढंग से मजदूरों को निकाल रही है। श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने 23 मजदूरों को गैर कानूनी ढंग से निकाला हुआ है, जबकि हमारी बात समझौता वार्ता जो है शिमला लेबर ऑफिस में चली हुई है। लेबर कमीशन ने वहाँ पे 29 तारीख को कहा था कि जब तक समझौता नहीं होता है तो इसके बीच जो है आप किसी भी दौरान इसके तो किसी भी कारण आप जो है मजदूरों को नहीं निकाल सकते और ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते। हमारा संघर्ष 1 तारीख से लगा हुआ है यहाँ पे और ये अगर कंपनी का फैसला नहीं करती है तो ये संघर्ष आगे तक चलता रहेगा। ऐसे 18 तक अगर कोई निर्णय आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इस संघर्ष को आगे तक लेके जाएंगे। केएमसी कंपनी में यहाँ काम 2 साल हुआ, काम चालू किया, स्टाफ को किसी को 1 साल हुआ रखा, किसी को 8 महीना हुआ रखा, किसी को 6 महीना हुआ रखा, किसी को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया, पे स्लिप नहीं दिया, बोला निकाल दिया तुम लोग को, तुम लोग का पैसा खत्म हो गया, जाओ पैसा दे, पेमेंट दे दिया, निकाल दिया गैर कानूनी ढंग से। और ये हम लोग 1 तारीख से हड़ताल कर रहा है, आज 10 तारीख हो गया, 18 तारीख में कोर्ट में है, जो पैसा नहीं मानेगा हम लोग अनिश्चित काल के लिए काम बंद करेगा और कुछ भी करने पड़े तो करेगा।